आपकी समस्याएं महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की जो समस्याएं हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार है, आपकी शिक्षा और सेहत की जो सुविधाएं हैं, ये आपकी समस्याएं हैं। यहाँ कितने नौजवान लोग हैं, हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। अब बताओ आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की मदद के लिए चलती है, उनके लिए लोन भी माफ, उनके लिए पॉलिसी भी बनती है, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कुछ नहीं बन रहा है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने बजट निकाला, बजट में इन्होंने छोटे और मीडियम बिजनेस के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं, सिर्फ दो चीजों के सहारे चल रहे हैं। सबसे पहला, जितने भी राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, आपके सामने आकर प्रचार कर रहे हैं, धर्म और जाति के आधार पर प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहला उनके लिए यही मुद्दा, उनको मालूम है कि चुनाव आएगा, आपसे वोट, अपने जज्बातों पे आपसे वोट मांगेंगे, वोट मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। बस 5 सालों में काम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी मदद करने की, आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जवाब दे नहीं बनाया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट मिल जाएगा, नैया पार हो जाएगी, फिर से सरकार बन जाएगी। ये स्थिति है राजनीति की आपके प्रदेश में। दूसरी बात, इन्होंने आपको एक बुरा राशन पकड़ा दिया, महिलाओं को एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, थोड़े बहुत पैसे आपके खाते में डाल दिए, आपको इन चीजों पर निर्भर बना दिया, आपको रोजगार नहीं देंगे। सुन लीजिए ध्यान में, नारे मत मारिए, सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूं मैं, आपको रोजगार नहीं देंगे, महिलाओं को सक्षम नहीं बनाएंगे, छोटे दुकानदार और छोटे बिजनेस और मध्यम बिजनेस की मदद नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि आप इनके एक बोरे राशन पर और थोड़े बहुत पैसों पर निर्भर रहे, ये चाहते हैं कि आपका विकास ना हो। यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन विकास नहीं करते, आपको आत्मनिर्भर बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, आप सवाल उठाना शुरू करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि आप हमारे मंच पे आकर धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा पेट कैसे भरेगा? आज आप पूछ नहीं रहे ये सवाल,
खड़ी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप ये सवाल पूछना शुरू करें। यहाँ जितने भी छोटे दुकानदार हैं, पूछे क्या गुनाह किया था आपने कि आप में नोटबंदी थोपी गई, आप में GST थोपी गई, कोरोना और लॉकडाउन में सबसे बड़ी मुसीबतें आपने झेली, लेकिन आपके लिए कोई आया नहीं मदद करने के लिए। आपकी इतनी रत्ती भर सहायता नहीं हुई, कोई सपोर्ट स्कीम नहीं हुई, आपके लोन माफ नहीं हुए, आप तब भी बिजली के बिल भर रहे थे जब कोरोना का लॉकडाउन था, आपकी कमाई नहीं हो रही थी, स्कूल की फीस आप भर रहे थे, आप बिजली की बिल भर रहे थे, किसी ने कोई छूट दी आपको? क्यों नहीं दी? सुन लीजिए, आप कानपुर के लोग हैं। एक समय में यह शहर दिल्ली से बड़ा होता था, यहाँ बड़े बड़े उद्योग होते थे, रोजगार होते थे। कोई अंबानी अडानी आपके लिए रोजगार नहीं बनाएगा, रोजगार बनाने वाले यही खड़े हैं, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, यही रोजगार बनाते हैं। क्यों मदद नहीं हो रही है इनकी? क्यों रोजगार नहीं बन रहे हैं? ये सरकार लाखों पद खाली छोड़े हैं। 5 सालों से 12 लाख सरकारी पद खाली है, क्यों नहीं भरे? क्या उनको नौजवान नहीं दिख रहे हैं बेरोजगार इस प्रदेश में? इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान है। 12 लाख खाली पद है, 5 सालों में मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा की सरकार ने ये पद भरे नहीं, भरे नहीं। अब चुनाव है कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, अब चुनाव है कह रहे हैं 1 सिलेंडर नहीं 2 मिलेंगे, अब चुनाव है तो महिलाएं याद आ गई। क्यों याद आई? क्योंकि हमने महिलाओं को सशक्त करने की बात की, हमने महिलाओं को कहा आप अपनी शक्ति समझो, अपने बच्चों के लिए आप एक मजबूत भविष्य चाहते हैं ना। आज मैं रोड शो में थी, मैंने देखा एक महिला रो रही है, मैं उसके पास गई, उसकी 19 साल की बच्ची थी, वो इतना रोई कि उसकी आंख सूज गई, आंसू निकल नहीं पा रहे थे थोड़े समय बाद, मुझे लगा बेहोश हो जाएंगी। उन्होंने मुझे बोला कि 1.5 महीने पहले उनकी बेटी का बलात्कार हुआ है, उनकी बेटी को मार डाला है। कहती है मैं अपनी बेटी को बुला रही हूँ, मैं पुकारती हूँ, मेरी बेटी नहीं आती, मेरी आंखों में भी आंसू भरे क्योंकि मेरी भी 19 साल की बेटी है, मैं भी माँ हूँ, मैं भी जानती हूँ कि अगर अपनी बेटी के साथ इस तरह से खो तो माँ भी क्या बीतेगी। लेकिन ये अकेली माँ नहीं है जिसपे ये बीत रहा है, मेरी गाड़ी के अंदर एक और माँ बैठी थी जिसके साथ यही हुआ, जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ, जिसकी बेटी को जलील किया गया, वो चुनाव लड़ रही है, उसकी दूसरी बेटी चुनाव लड़ रही है न्याय के लिए, और वो भी अकेली नहीं है। इस तरह से बार 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 मैं इतनी माओ से मिली हूँ जिनकी बेटियों के साथ ये हो रहा है, और हर बार मुझे कहती है कि ये सरकार मुझे मदद नहीं कर रही है, दीदी मुझे न्याय नहीं मिलेगी, मिलेगा, मेरे लिए न्याय के लिए लड़ो दीदी, कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात, मेरी बेटी को जलील कर किया जा रहा है, बेटी का बलात्कार किया, बेटी को मार डाला, फिर भी जलील कर रहे हो, ये हालत है प्रदेश की। और कहते हैं कि महिलाओं को एक गैस का सिलेंडर दे दो, एक गैस के सिलेंडर से क्या होगा, गैस भरने के पैसे नहीं है किसी के पास, महंगाई इतनी कर ली है लोगों ने कि लोगों की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, किसान रो रहा है। मैं ललितपुर गई, वहां किसान लाइन में खड़ा खड़ा खाद मांगते हुए मर गया, उसके घर गई, उसकी विधवा ने मेरे कहा मुझे कहा कि मैं क्या करूंगी, मेरी बेटियों का कौन देखभाल करेगा, कमाने वाला तो चले गया, क्यों खड़ा था उस लाइन में। बहुत दिनों बाद बारिश आई थी, बहुत दिनों बाद आशा जागी कि इस बार मेरी खेती हो जाएगी, जाके खाद वितरण केंद्र में गया, लाइन में खड़ा हुआ, डर लगा कि मैं लाइन छोड़ दूंगा, घर जाऊंगा खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, लाइन छोड़ दूंगा तो मुझे खाद नहीं मिलेगी, मैं फिर मेरी खेती नहीं होगी। क्या हुआ, वहीं पे दम तोड़ दिया, 2-3 दिन खड़े खड़े वहीं पे दम तोड़ दिया, खाद नहीं मिली उसे। किसान ने आंदोलन किया,
किसान को कुचला गया। अपनी जीप में मंत्री का बेटा आया, सबके सामने हजारों गवाह है, छह किसानों को कुचल डाला। सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने, जो मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि आपकी सरकार है, इस सरकार ने आपके लिए क्या किया? मैं बताती हूँ क्या किया। मंच पर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उसी मंत्री के साथ आज भी खड़े होते हैं। रिहा कर दिया उसको, उसके बेटे को जमानत मिल गई है, रिहा कर दिया उसको। और जिन परिवारों से मैं मिली, जिन किसानों की मौत हुई, उनके परिवारों को कौन देखेगा, उनको कौन पूछेगा? मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों सो रहे हो? क्या दे रही है ये सरकार तुमको? निर्भर कर रही है एक पूरे राशन पे, और आप जाग नहीं रहे हो। जागो मेरी बहनों, जागो मेरे भाइयों, जागो यहाँ के नौजवानों, जागो। तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। किसी नेता का धर्म इतना बड़ा नहीं होता कि वो जनता की सेवा ना करे। सबसे बड़ा धर्म यही है हर नेता का। किसी धर्म ने नहीं सिखाया है, किसी धर्म ने नहीं सिखाया कि लोगों का बंटवारा करो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सब धर्मों ने यही कहा है, सेवा सर्वोपरि है। तो जो आपके सामने धर्म की बात करते हैं, उनसे कहिए पहले सेवा करके दिखाओ, पहले सेवा करके दिखाओ। 5 सालों में क्या किया है हमारे लिए, ये बता के दिखाओ। कुछ नहीं बता पाएंगे बहनों और भाइयों, मुंह बंद हो जाएगा उनका, क्योंकि जब भी आपके सामने आते हैं आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं हम फंड ट्रांसफर कर देंगे, कोई कहता है 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, आपको तो नहीं मिले ना, फिर भी आपने वोट दे दिया, फिर भी आपने भरोसा किया। लेकिन समझ लो कि अगर 5 साल और आपने गवा दिए, तो ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, इनको रोजगार कभी नहीं मिलेगा। ये जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, ये सुरक्षित कभी नहीं होंगी। मन बनाइए, ये राजनीति जो है ना, ये आपके लिए होनी चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। जितने भी नेता आकर आपके सामने अपने बढ़ावे की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहते हैं, किसी भी हालत में सत्ता मिल जाए, खरीद के मिल जाए, पैसे बांट के मिल जाए, वोटों के समय धार्मिक जज्बात उभार के मिल जाए, किसी भी तरह से सत्ता में रहना है, बस यही लक्ष्य है इनका। समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये कांग्रेस पार्टी पिछले 3 सालों के लिए आपके लिए लड़ रही है, सड़कों पे लड़ रही है, जहां आप पर मुसीबत आए हम सब आपके पास पहुंचे, किसानों के पास पहुंचे, बेरोजगारों के पास पहुंचे, महिलाओं के पास पहुंचे, जहां बलात्कार हुआ, जहां कत्ल हुआ, हम पहुंचे। हम क्यों पहुंचे? क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी और अपना धर्म समझते हैं। हम समझते हैं कि सेवा ही हमारा धर्म है, कि आपने हमें यहां बिठाया है, आप नहीं होते तो हम नहीं है। अब यही बात भाजपा के नेताओं को समझाओ, यही बात समझाओ, और अपने कानपुर को एक बार फिर सक्षम बनाओ। यहाँ के बिजनेस, यहाँ के छोटे दुकानदार, यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं, सबको सक्षम बनाओ, सबका विकास कराओ। यही आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चों के प्रति आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनका भविष्य बनाना है, उनका भविष्य इन बातों में मत कहवाओ। यही कहने आई हूँ मैं आप सबसे। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी नियत को समझते हो।